भगवान राम का अवतार होना था शेखावत जी, सारी तिथियां 1, 2, 3 सारी तिथियां एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चौदस पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी सब लाइन में खड़ी है। सारे भाव से कहती है प्रभु मुझ में अवतार लो, द्वादशी कहती है मुझ में अवतार लो, 8 की 8 तिथियां स्वागत करती हैं प्रभु मुझ में अवतार लो, लेकिन नवमी तिथि एक कोने में जा करके रुदन कर रही है। मेरे प्रभु ने कहा अरे नवमी तू क्यों रो रही है? कहने लगी महाराज मैं रिक्ता तिथि हूं, रिक्त का मतलब खाली और रिक्ता का मतलब अस्तित्व विहीन, जिसका कोई अस्तित्व ना हो। नवमी ने कहा महाराज मैं रिक्ता तिथि हूं इसलिए रो रही हूं, काश मेरा भी मान होता तो मैं भी उस श्रृंखला में होती, मैं भी उस पंक्ति में होती, मैं भी निवेदन करती। भगवान ने कहा रे मूर्खा मेरा तो काम है खाली पात्र को भर देना, और नवमी में जन्म लेकर के भगवान ने नवमी का महत्व बढ़ दिया। नवमी अतिथि मधुमास पुनीत अवध चरित प्रतीत। नवमी की तिथि में भगवान ने जन्म लेकर के नवमी का महत्व बढ़ा दिया। और इतने नहीं, आजकल हर व्यापारी हर संत 9 को ही गिनता है ना राजेश जी, 9 को क्यों गिनते हैं खंडेलवाल साहब? क्योंकि नवमी जो है ना 9 पूर्ण अंक है, ये कभी कमी नहीं होता। आप लोग हम तो बाबा कम पढ़े लिखे, आप गणित जोड़ लो है ना सवारी, हम लोग तो अंगूठा ठेक है, जो गुरु जी ने दे दिया वो अपने पल्ले में। मुझसे लोगों ने कहा महाराज आप भागवत जी करते हो, मैंने बोला जी मैं नहीं करता, भगवान की कृपा और शारदा जी जुबान पे आती वो कर जाती, मुझे तो अपना जीवन का संचालन करना नहीं आता, मैं भागवत क्या कर लूंगा। आपने कितने पुराण पढ़े? मैंने आपको कितने के बारे में ज्ञान है? बोले जी 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण। मैंने कहा भैया मैंने एक ही चीज पढ़ी है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, वो है गुरु पुराण, और गुरु के चरणों में समर्पित हो जाए तो किसी और को देखने की जरूरत नहीं। राम को गुरु की आवश्यकता पड़ी, कृष्ण को पड़ी, हमें आपको भी है, पर गुरु करना जान पहचान के है ना, और पानी पीना छान के, पानी का टीडीएस गड़बड़ रहा तो जॉइंडिस हो जाएगा है ना, अम्लीय क्षारीय रहा ना तो फिर कोलाइटिस अल्सर भी हो सकता है, स्क्रीन डिजीज भी हो सकता है, और गुरु अगर जान पहचान के नहीं किया तो मामला कुछ और गड़बड़ भी हो सकता है, इसलिए बिना जाने पहचाने संबंध ना बने। मैं आवाहन अखाड़े का महामंडलेश्वर हूं, श्री श्री 1008 लिखा जाता है, और ईश्वर की अनुकंपा से हर गुरु पूर्णिमा को, हर गुरु पूर्णिमा को 5-10 हजार लोग तो होते ही हैं, पर अनुरागी होते हैं। आज तक मैंने एक भी व्यक्ति को गुरु दीक्षा नहीं दी। लोग बोलते महाराज आपका तो राष्ट्रीय स्तर पे काम है, आप गूगल पे जाओ, गूगल देवता से पूछो हु इज ब्रह्मांडपुरी सब बता देंगे, वो कहां सेवा है कहां है, यूट्यूब पे जाओ वो बता देगा। अभी आपका कार्यक्रम KM म्यूजिक इंडिया टीवी जो ऑन करेगा ना अपने यहां, उसके यहां से लाइव जा रहे हैं। आप इतने प्रखर हैं, प्रभावी हैं, फिर आपने
शिष्य क्यों नहीं बनाया? मैंने कहा भाई अभी मैं खुद ही शिष्य हूँ, गुरु नहीं बनना चाहता, क्योंकि मेरी आदत धरातल पर रहने की है, उसी में आनंद आता है। क्योंकि शिष्य का जीवन शिष्य जैसा पारदर्शी होता है। अब तो जमाना ऐसा चल रहा है गुरु चेले एक दूसरे को ब्लैकमेल करने में लगे। हाँ, चेला चाहता है एक ही दिन में मेरा बेड़ा पार हो जाए, और गुरु चाहता है एक ही दिन में पूरे आश्रम का खर्चा आ जाए। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? विरक्त। गुरु को नहीं चाहिए जी हवा का स्वाद। एक डेढ़ महीने पहले की बात है, हमारे खंडेलवाल साहब है, गुरु जी एसी लगवा देते हैं, इधर बहुत तकलीफ हो रही है, इधर इसको तोड़ करके इस आश्रम को मोरर बनाएंगे। गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन खंडेलवाल साहब ने कहा कि गुरुदेव ये आश्रम को तोड़ देते हैं, अब नए तरीके से बनाएंगे। मैंने बोला आज आया फिर तुझे सुनना पड़ेगा अच्छा वाला श्लोक। पहले तू स्वयं को बना और अपने गुरु भाइयों के लिए बना। मेरी झोपड़ी तो ऐसे ही ठीक है, मैं एक तकत में ही ठीक हूं। क्योंकि आदमी ध्यान कर लेना आप, थोड़ा सा कुछ बातों पे चर्चा ठीक ठीक हो जानी चाहिए, क्योंकि वाद और संवाद की प्रक्रिया है मेरे भाई। कोई भी गृहस्थ अगर आवश्यकता से ज्यादा भागता है तो परिवार से दूर हो जाता है, और जीता किसके लिए? व्हाट इज द पर्पज योर लाइफ? बढ़ा लो लमजम, आज अमेरिका में हो तो कल सऊदीया में हो, परसों उधर हो, बेटी के सिर पे हाथ रखने की टाइम नहीं है, बेटा आज का दिन कैसा रहा? और संत सन्यासी जब जरूरत से ज्यादा शिष्य बना के भौतिक सुखों में लिप्त हो जाता है तो वो साधना से दूर हो जाता है। जैसे आपका रुपया पैसा दौलत करोड़ों का बंगला है ना, ऐसे हम संतों की सब दौलत है साधना, यज्ञ हवन पूजा कर्मकांड, उसमें लिप्त रहना चाहिए। क्योंकि साधना अभिशाप को वरदान बना देता है, साधना अभिशाप को वरदान बना देता है, और भावना पाषाण को भगवान बना देता है। नैतिकता के स्तर से नीचे उतर जाने के बाद वासना इंसान को शैतान बना देता है। करता रह हरि भजन, चल परमार्थ की राहों पे, ओ ब्रह्मांडपुरी, हरि भजन मोक्ष धाम दिला देता है, मोक्ष धाम दिला। श्रीमद् भागवत कथा में देखें, एक भूमिका के हिसाब से आपको बताएं, संतों की चर्चा करते आए, गुरुओं की चर्चा आए, तो मेरे भाई ध्यान देना, जो काम भगवंत नहीं कर सकता वो काम संत करता है, ऐसा प्रमाण भागवत के अंदर है। भक्ति जिसके लिए आदेश दे दे उसे मुक्ति मिल जाती है ना, ऐसा प्रमाण है ना। भक्ति चैतन्य हुई ना, भक्ति जिसको आदेश करे उसे मुक्ति हो जाती, लेकिन स्वयं के पुत्र ज्ञान और वैराग्य जब मूर्छित हो गए तो भक्ति से कुछ नहीं हुआ महाराज, संतों का सानिध्य लेना पड़ा। आज ब्रज में वृद्ध भक्ति युवा हो गई है, जवान हो गई है, उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित होकर पड़े हैं। तब उसने किसका सहारा लिया कि भो भो ब्राह्मण क्षणिक तेष्टा, भो भो ब्राह्मण क्षण मतिष्ठम मच्चिंताय पिनाशय,
दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाहरम परम। वो देव ऋषि नारद को कहती है, संत देवता है परमात्मा के स्वरूप। रामचरितमानस में तो राजेश जी गोस्वामी जी ने संतों को चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग बताया है। प्रमाण है उस चौपाई का कि राम भगति जह सुर सरिधाया। राम भगत जह मुक्ति है। माँ गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है, लेकिन कब? यूं तो हजारों नहाते हैं गंगा में जाके, पर अगर नियत ही साफ नहीं होगा तो गंगा का पानी क्या खाक पाक होगा। पहले नियत साफ करो, अंदर की गंदगी हटाओ, तब बंदगी आपकी स्वीकार हो। और जब आपकी अंदर की गंदगी हट जाएगी, आपकी बंदगी स्वीकार होगी, तो मेरे भाई आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी। गोस्वामी जी ने कहा, प्रयाग में जैसा तीर्थ है, सुरसरी की धारा बहने का महत्व है, ऐसे इन संतों के हृदय में सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। सदैव ब्रह्म के विचार का चिंतन ध्यान धारणा करके लोगों में परमात्मा का प्रचार करते हैं। अस्तु ये चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग हैं, और जो दर्शन प्रयाग में करता है, स्नान करता है, वही लाभ। अगर संत के चरण को धोकर पिया जाए तो भव मुक्ति हो जाती है। ऐसा मैंने पढ़ा ही नहीं है, अनुभव भी किया है। क्योंकि संतों का सानिध्य के बिना कुछ होता नहीं महाराज। भक्ति ने संत का सानिध्य लिया और कहने लगी, प्रभु क्षण मात्र रुको, मेरी समस्या का समाधान करो। दर्शन की तो बात कर रही है, लेकिन कह रहे बहुधा, बहुधा यानी कई बार। बहुधा तव वाक्येन दुख नाश विनश्यति। कई बार तो आपके वाक्य का श्रवण करके ही दुखों का नाश हो जाता है। यदा भाग्यम भवेद भूरी भवतो दर्शनम तदह। जब कई जन्मों का पुण्य उदय होता है, भाग्य इकट्ठा होता है, तब जाके संत के दर्शन होते हैं। देव ऋषि नारद ने कहा, आप ये बताओ, काशी तुम काविमो। अब यहां थोड़ा ध्यान देना है, शेखावत साहब शब्दों की श्रृंखला देखिए। आज लोग क्या कहते हैं, औरत स्त्री को क्या कहते हैं? एक प्रमाण तो कल आपने सुना था ना, सीज माई मिसेज। हमारे पास शब्द हैं, लेकिन हम राधे प्रणाम।
भक्ति जी कहना है माहौल हो बाप जी है? हमारी बहन भी बोलती आज मेरे अय्या।